हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन एट लीडिंग पावर फैक्टर। पिछले वीडियो हमने देखा था वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर, हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन एट लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए क्या होता है, रेफरेंस जो होता है V2 वो होता है V2 एंगल 0 डिग्री, हर केस में ये रहेगा, ठीक है, चाहे लैगिंग हो चाहे लीडिंग हो, V2 यही रहेगा। केवल I2 जो है लैगिंग के केस में था I2 एंगल -ϕ2 था, ठीक है। यहाँ पर लीडिंग के केस में क्या रहेगा, I2 एंगल ϕ2 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और Z2 जो है वो सेम रहेगा, Z2 इज इक्वल्स टू RE2 प्लस JXE2, ठीक है, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो V2 Z2 सेम रहेंगे, केवल I2 चेंज होगा। वहाँ पर लैगिंग में क्या था, एंगल जो नेगेटिव था, और लीडिंग में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा करंट लीडिंग केस, ठीक है। तो E2 इज इक्वल टू, अपन जानते हैं कि E2 इज इक्वल टू क्या होता है, V2 प्लस I2 ZE2, ठीक है। अब V2 की वैल्यू हमें पता है, V2 की वैल्यू क्या है, V2 एंगल 0 डिग्री प्लस I2 क्या है, I2 एंगल ϕ2, ठीक है। और ZE2 की वैल्यू क्या है, RE2 प्लस JXE2, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, अभी क्या है पोलर फॉर्म में है, तो हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले जाएंगे। तो E2 इज इक्वल टू V2 एंगल 0 डिग्री है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस J0 प्लस I2, ठीक है। इसको अगर अपन रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले जाते हैं तो ये होता है cos ϕ2 प्लस J sin ϕ2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला है, ये जो हम कहते हैं रहेगा RE2 प्लस JXE2, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई होगा अंदर, E2 इज इक्वल टू V2, ये 0 है तो इसको लिखेंगे नहीं प्लस, क्योंकि 0 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। I2 जो है इसको भी बाहर ही रखते हैं हम, ठीक है। अपन ने ब्रैकेट लगाया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अंदर इन दोनों का। तो I2 क्या है, सबके इंटू में, तो I2 को बाहर रख लिया अपन ने, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 cos ϕ2 RE2 इंटू cos ϕ2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, जे क्या हो जाएगा, RE2 इंटू sin ϕ2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या है, प्लस है तो प्लस, इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, JXE2 cos ϕ2, और प्लस है प्लस 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 ही रहेगा, जे इंटू जे क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर हो जाएगा, और XE2 और क्या है, sin ϕ2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में sin ϕ2, ठीक है। अब क्या करें अपन, जे स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो -1 का इंटू में होगा तो माइनस के हो जाएंगे सारे, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा, 1 का इंटू होगा तो ये XE2 sin ϕ2 ही रहेंगे, केवल यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, क्योंकि J² इज इक्वल टू -1 रखेंगे अपन। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 प्लस I2 का भी अंदर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I2 RE2 cos ϕ2, ठीक है, प्लस क्या है, J I2 हो जाएगा RE2 sin ϕ2 हो जाएगा, प्लस I2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा, जे इंटू I2 XE2 cos ϕ2 प्लस हो जाएगा I2, जे स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे अपन, XE2 sin ϕ2, ठीक है। इसको अपन ने सॉल्व करेंगे, इसको -1 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, V2 प्लस I2 RE2 cos ϕ2 प्लस J I2 RE2 sin ϕ2 प्लस J I2 XE2 cos ϕ2 माइनस I2 XE2 sin ϕ2, ठीक है। जे वाले जो टर्म है उनको अपन अलग लिखें, क्योंकि क्या है, इमेजिनरी टर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो जिनके साथ जे उनको अलग लिख लें, और विदाउट जे के उनको अलग लिखेंगे अपन। तो E2 इज इक्वल टू क्या निकल आएगा अपने पास, V2 प्लस I2 RE2 cos ϕ2, ये हो गया, और ये है एक, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, I2 XE2 sin ϕ2,
कितना निकल आया? तीन। अब जे वाले टर्म कौन कौन सी? ये वाले, तो इनमें से अपन क्या कर सकते हैं, जे कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो प्लस जे को कॉमन लिया अपन ने, तो क्या बचा? आई टू आर ई टू साइन फाई टू, और प्लस बचा आई टू एक्स ई टू कॉस फाई टू। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसका अगर अपन मॉड निकाल दें, है ना, तो मॉड ऑफ ई टू इज इक्वल टू क्या होगा, ये कैसा फॉर्म बन गया, ए प्लस आई वी के फॉर्म में। ठीक है, इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू ये हो गई और बी की वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी टू प्लस आई टू आर ई टू कॉस फाई टू माइनस आई टू एक्स ई टू साइन फाई टू। ठीक है, और प्लस के इसका होल स्क्वायर होता है प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई टू आर ई टू साइन फाई टू प्लस आई टू एक्स ई टू कॉस फाई टू, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल आया अपना मॉड। ठीक है, अब अपन को चाहिए अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, एट लीडिंग पावर फैक्टर, तो अप्रोक्सीमेट जब अपन निकालेंगे, है ना, तो अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है, वो होता है, उसमें क्या करते हैं अपन, ये जो टर्म रहता है ना आई टू आर ई टू साइन फाई टू और प्लस आई टू एक्स ई टू कॉस फाई टू, ये क्या कहते हैं, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें इसके साथ, तो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, यहाँ पे देखो ये इमेजिनरी पार्ट था ना, ठीक क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू दिस पार्ट। ठीक है, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, जीरो की जीरो मान लेते हैं, निगलेक्ट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है, ई टू इज इक्वल टू क्या बचता है, ई टू इज इक्वल टू अपने पास बचेगा वी टू प्लस आई टू आर ई टू कॉस फाई टू माइनस आई टू एक्स ई टू साइन फाई टू, इतना बचेगा अपने पास, क्योंकि ये वाला तो अपन निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी जी इज इक्वल टू होता है ई टू माइनस वी टू अपॉन वी टू। ठीक है, तो ई टू की वैल्यू अपने पास क्या बची, यहाँ से वी टू प्लस आई टू आर ई टू कॉस फाई टू माइनस आई टू एक्स ई टू साइन फाई टू, तो अपन लिखेंगे वी टू प्लस आई टू आर ई टू कॉस फाई टू माइनस आई टू एक्स ई टू साइन फाई टू। ठीक है, ये हो गया, माइनस क्या है वी टू, तो माइनस वी टू अपॉन में क्या है वी टू, तो वी टू, वी टू से वी टू कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो वोल्टेज रेगुलेशन अपने पास क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू आई टू आर ई टू कॉस फाई टू माइनस आई टू एक्स ई टू साइन फाई टू अपॉन वी टू, ये कहलाएगा हमारा अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो जो लैगिंग और लीडिंग दोनों के लिए अपन ने निकाला, ठीक है, उसमें केवल क्या फर्क है, यहाँ पर जो लैगिंग पावर फैक्टर होता है वहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर है तो क्या आया, सॉरी, जो लैगिंग पावर फैक्टर था तो वहाँ पे क्या आया था, प्लस आया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लीडिंग में माइनस आया। ठीक है, तो लैगिंग में यहाँ पे प्लस आता है, लीडिंग में माइनस आता है, इतना बस फर्क है, बाकी फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है। ठीक है, और हम निकालेंगे वोल्टेज रेगुलेशन एट यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें अपन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन एट यूनिटी पावर फैक्टर एंड कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, और एक और कंडीशन अपन देखेंगे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में लिख दें, तो मैं इसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।